यूट्यूब पर न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम अगर सक्सेस होना चाहते हो तो इस वीडियो को तुम पूरा देखो। अगर इस वीडियो को मिस कर दोगे तो तुम यूट्यूब पर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर शो ही नहीं करेगा, तो व्यूज़ कैसे आएगा। तो तुमको इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना है। तो तुमको इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में पता चलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए तुमको क्या करना है। अकाउंट तो तुमने क्रिएट कर लिया, वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दिया होगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको क्रोम ब्राउज़र में वाइट स्टूडियो को ओपन करना है। वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद तुमको यहाँ पे जो ऑप्शन है सेटिंग का, इस पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो तुमको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद चैनल पर टैप करना है। चैनल पर टैप करने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है तो इसको टैप करना है। इसको टैप करने के बाद तुमको अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। ये क्यों करना है, अगर तुम इंडिया को सिलेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा वीडियोस पर इंडिया से ज़्यादा व्यूज़ आएगा। ठीक है, अगर तुम हिंदी में वीडियोस को क्रिएट करते हो तो तुम इंडिया ही सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर तुम इंडिया में रहते हो तो इंडिया ही सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर तुम करना चाहते हो यूएसए या फिर कुछ और जो कंट्री है तो भी तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको व्यूज़ उतना नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम हिंदी में वीडियोज़ को डालते हो और कर दिया है यूएसए तो तुम्हारा वीडियोज़ तो वो लोग नहीं समझेगा, तो वीडियो को स्किप कर देगा, तो तुम्हारा चैनल पर व्यूज़ नहीं होगा और चैनल डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए तुमको अपना जो कंट्री है उसको ही आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे मेन जो यहाँ पे कीवर्ड। ठीक है, इसको अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल आपका यूट्यूब पर शो नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब चैनल का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाईटेक डाल दिया। उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे हाईटेक का चैनल है ये मेरा सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर तुम कीवर्ड ना लगा के यहाँ पे तुम सर्च करोगे तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे शो नहीं करेगा और वीडियोस भी शो नहीं करेगा। तो अगर शो ही नहीं करेगा यूट्यूब पर तो तुम्हारा वीडियोस पर व्यूज़ भी नहीं आएगा और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए उस कीवर्ड को करना ज़रूरी होता है। तो कीवर्ड को तुमको क्या रखना है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तुम्हारा चैनल जिस भी नंबर है तो उसको तुमको दो तीन बार घुमा के फिरा के रख देना है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है हाईटेक, तो यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में पहले हाईटेक लिख देता हूँ बिना स्पेस दिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा का यूज़ करना है। कॉमा का यूज़ करने के बाद तुमको क्या करना है, फिर से तुमको अपना यूट्यूब चैनल का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं स्मॉल लेटर का पहले लिखा था तो अब मैं कैपिटल लेटर का लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईटेक लिख देता हूँ बिना स्पेस दिए। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद स्मॉल लेटर का लिख देता हूँ, वो स्पेस देखे। ठीक है, स्पेस देखे, हाईटेक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉमा लगाया, उसके बाद कैपिटल लेटर का मैं हाईटेक लिख दिया लेकिन यहाँ पे स्पेस देखे। ठीक है, ऐसे करके तुमको बहुत सारी यहाँ पे कीवर्ड को डालना है। सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल का नेम ही नहीं, आप कॉमा देखे अपना नाम भी डाल सकते हो। अगर तुम्हारा चैनल को तुम्हारा नाम से अगर सर्च करोगे तो तुम्हारा चैनल आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, उसके बाद तुम जो भी कैटेगरी का वीडियोज़ डालते हो उस कैटेगरी के रिलेटेड तुम यहाँ पे कीवर्ड को डाल सकते हो। जैसे मैं टैक रिलेटेड वीडियोज़ डाल रहा हूँ, टैक लिख के यहाँ पे मैं कॉमा लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं वाई टी रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो वाई टी अपडेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसे करके अपना कैटेगरी रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड को डालोगे तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी रिलेटेड जो वीडियोज़ को सर्च करेगा यूट्यूब पर तो तुम्हारा चैनल और वीडियोज़ को शो कर देगा यूट्यूब ने। ठीक है, ऐसे करके तुमको कीवर्ड को डालना है और कॉमा लगा के डालना है। कॉमा लगाने से क्या होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉमा जो लगा था यहाँ पे कीवर्ड बन चुका है। या फिर आप मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। ठीक है, या फिर से तुम देख सकते हो हाईटेक लिख रहा है और टैग लिख के या फिर वाई अपडेट यहाँ पे देख सकते हो कीवर्ड बन गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग ऑप्शन है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे आना है। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट मेट फॉर किड्स, यहाँ पे यस दिख रहा है और यहाँ पे नो दिख रहा है और नीचे दिख रहा है आई वॉन्ट टू डू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। ये ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम कोई भी वीडियोज़ डालते हो, मतलब आप किड्स रिलेटेड वीडियोज़ डालते हो तो तुमको यस करके रख देना है। ठीक है, अगर तुम किड्स रिलेटेड वीडियोज़ नहीं डालते हो तो तुमको नो करके रख देना है। ठीक है, और नीचे का जो ऑप्शन है आई वॉन्ट टू डू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो ये ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि अगर तुम दोनों तरह का वीडियोज़ डालते हो, मतलब किड्स रिलेटेड वीडियोज़ भी डालते हो और बिना किड्स रिलेटेड वीडियोज़ भी डालते हो तो तुमको यहाँ पे आई वॉन्ट टू डू दिस सेटिंग पर यहाँ पे सेट करके रख देना है। जब तुम किड्स रिलेटेड वीडियोस को डालोगे तो तुमको यस कर देना है और जब तुम किड्स रिलेटेड नहीं डालोगे तो तुमको नो करके यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो करके रख देता हूँ क्योंकि मैं किड्स रिलेटेड वीडियोस को नहीं डालता हूँ। ठीक है,
तो उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फीचर्स एलिजिबिलिटी, तो इस रिलेटेड वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर तुम नहीं देखा तो तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दिया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट्स के बारे में। अपलोड डिफॉल्ट्स पर टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और विजिबिलिटी और टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। पहले समझ लो अपलोड डिफॉल्ट्स होता क्या है। तो अपलोड डिफॉल्ट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी तुम वीडियोस को अपलोड करते हो तो हर बार तुमको टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर टैग को तुमको डालना होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे तुम पहले से सेव करके रख दोगे तो तुमको बार बार डालना नहीं पड़ेगा डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल, ठीक है। टाइटल तो डाल सकते हो क्योंकि टाइटल, हर वीडियो का टाइटल अलग अलग होता है, इसलिए टाइटल को मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन लगभग एक ही होता है, बस तुम जो वीडियो में बताओगे उसका लिंक या फिर कुछ और देना चाहते हो तो वहाँ पे तुम डाल सकते हो। तो तुमको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे लिखा है हाय आई एम लिटन दत्ता, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखना है। उसके बाद तुमको अबोधित चैनल लिख के तुम्हारा जो चैनल है उसके बारे में लिखना है। अपना जो अदर सोशल मीडिया का साइट है उसका लिंक भी डाल देना है और यहाँ पे बिजनेस इंक्वायरीज के लिए ईमेल भी डाल सकते हो। तो जो भी तुमको सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है तो वो तुमको यहाँ पे पहले से लिख के रख देना है, ठीक है। तो बार बार तुमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद तुमको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो विजिबिलिटी का ऑप्शन है, तो इस पर टैप करना और यहाँ पे तुम अनलिस्टेड करके रख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन मुद्दे के बाद आता है यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन आता है, तो टैक्स पर तुमको क्या डालना है। यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट्स में तुमको टैक्स कोड लिख देना है, मतलब अपना चैनल का नेम और आपका कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का वीडियोस डालते हो उसको यहाँ पे पहले से लिख देना है। मतलब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा तुमको, सभी वीडियोस में आपका चैनल का नाम डालना जरूरी होता है, इसलिए टैक्स पर तुम्हारा यूट्यूब चैनल का नाम जरूर से डाल देना, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारा चैनल का यहाँ पे टैग डालोगे, लेकिन जब तुम अपना वीडियोस डालोगे तो उस वीडियो के रिलेटेड टैग भी डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे एडवांस सेटिंग ऑप्शन, तो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे लाइसेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, इसको तुमको ऐसे ही रहने देना है। तो इसके बाद यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन पर टैप करके तुम जो भी लैंग्वेज वीडियोस को अपलोड करते हो तो तुमको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी लैंग्वेज पर यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हो उसको तुमको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे नॉन है और यहाँ पे कैप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन पर टैप करना है, ठीक है। तुम जो भी कैटेगरी का वीडियोस अपलोड करते हो उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो इसको तुमको इंग्लिश पर सिलेक्ट कर देना है क्योंकि ज़्यादातर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होता है। उसके बाद अलाउ ऑल कमेंट्स, इसको ऐसे ही रह देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पर टैप कर देना है, ठीक है। तो यही था कुछ सेटिंग जो तुमको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद करना होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो तुमको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो फ्री होता है। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।